स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। देख रहे हैं आप गेट इंस्टॉल, हूं मैं शाहरुख और आपके लिए एक और नई वीडियो में कुछ बातें ऐसी जो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक गुड न्यूज है उन लोगों के लिए जो प्लान कर रहे हैं KTM 125 लेने की। तो काफी सारे लोगों ने मुझे कमेंट में कहा था कि यार बहुत से लोगों ने इसे बुरा बताया, बट यू आर द वन जिसने अच्छा बताया यार, थैंक यू सारे प्यार के लिए। अब मैं कहना चाहूंगा कि एक और गुड न्यूज है उन यूजर्स के लिए जो प्लान कर रहे हैं या फिर ले चुके हैं KTM 125। तो नई बाइक थी यार, एग्जैक्ट आंकड़े तो मैं भी नहीं जानता था, बट हाँ अब मैं कहना चाहूंगा कुछ यूजर्स की 62 की माइलेज आई है। तो अब अगर कोई अच्छी चलाता है या फिर कोई नॉर्मली राइड करता है तो प्रोबेबली इतनी आ सकती है 60 या फिर 62 के आसपास 125 सीसी की बाइक। अब मैं उसके बाद कहना चाहूँगा जो लोग प्लान कर रहे हैं तो ये गाड़ी 1,30,000 के आसपास मिल जाएगी आप सभी लोगों को अगर आप इंटरेस्टेड है इसे लेने में। तो KTM 125 के लिए दो शब्द कहना चाहूँगा, फर्स्ट मंथ के अंदर ही 457 यूनिट उन्होंने सेल कर दी। तो यार बहुत अच्छी बात है, अगर 457 यूनिट फर्स्ट मंथ के अंदर किसी ने खरीदी तो लोगों के अंदर कुछ तो ऐसी चीज़ रही होगी, लुक कह सकते हो, माइलेज कह सकते हो या सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन। तो कॉन्ग्रेचुलेशन उन सभी को जिन्होंने ले ली है और कॉन्ग्रेचुलेशन उनको भी जो प्लान कर रहे हैं। KTM की कुछ अच्छी बातें बताना चाहूंगा, 125 सीसी की होके टॉप स्पीड 125 kmph की है। दूसरी न्यूज जो मैं कहना चाहूंगा, कोई लोग इंटरेस्टेड थे पल्सर 220 के जो नए वेरिएंट आएगा ABS सिंगल चैनल उसमें, तो हाँ मैं एक चीज कहना चाहूंगा एज ऑफ नाउ ABS चैनल की अगर आएगी भी तो वो अप्रैल तक आएगी, और अगर नहीं आएगी तो मैं ये कहना चाहूंगा 2020 का एक नया अपडेट है कि 2020 में जो NS हमारी 200 है, पल्सर 250 आने वाली है एक नए डिजाइन नए वेरिएंट में। जो पल्सर 250 है वो भी बहुत अच्छी इंप्रेसिव और पावरफुल होने वाली है आगे आने वाले टाइम में। सो अगेस हमें 1 से 1.5 साल और इंतजार करना पड़ेगा। जो इंटरेस्टेड हैं और अगर अच्छी बाइक लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा और इंतजार करके ABS चैनल ले लीजिएगा अगर अप्रैल तक वो लॉन्च हो जाती है तो। अदरवाइज CNG वेरिएंट तो हमारा है ही बढ़िया। अब कहना चाहूँगा जो पल्सर 250 आएगी वो बेस्ड होगी KTM टेक्नोलॉजी के साथ साथ, जो कि हमारी ट्रिपल स्पार्क इंजन है उसके साथ जुड़ के आएगी, जिसका एक शोरूम प्राइस 1,20,000 से लेके 1.5 लाख तक बताया जा रहा है। तो नाना करते हुए अगर गाड़ी 1.5 लाख की हुई तो 170 की, और अगर 1,20,000 की हुई तो आपको 1.5 लाख तक पड़ जाएगी पल्सर 250। कुछ लोगों के मन में जो सवाल था सिंगल चैनल ABS को लेके कि वो क्यों आ रही है, सिर्फ सिंगल चैनल ही क्यों आ रही है, ड्यूल नहीं आ रही है, वो उनके ऊपर है, मैं कुछ नहीं कह सकता, बट इम्प्रूवमेंट। और हाँ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, कई ऐसी बाइकें हैं जो बंद होगी बट आज भी पल्सर ने लेजेंडरी रिकॉर्ड क्रिएट किया है, अपने नए CNG वेरिएंट में भी उन्होंने बहुत अच्छी सेल पाई है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। गाइस कहना चाहूँगा जो भी हमारे एवेंजर्स के लवर हैं, जैसे कि मैं भी एक टैग कम्युनिटी से जुड़ा हुआ था, मैं भी राइडिंग करता था, मतलब आजकल तो नहीं जा रहा हूँ, बट हाँ कहना चाहूंगा जो एवेंजर्स के जितने भी हमारे राइडर्स हैं उनके लिए एक और नई न्यूज है। जो कोई भी अपनी पुरानी एवेंजर एक्सचेंज करके नई लेने वाला था, या फिर जो कोई भी थोड़ा बहुत एक्सचेंज चाहता था, नई बाइक लेने वाला था एवेंजर बेसिकली, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है, एवेंजर 220 स्पॉट की गई है सिंगल चैनल ABS में। तो जी हाँ, बेसिकली जनवरी तक आपको मिल जाएगी सिंगल चैनल ABS की एवेंजर भी। तो अगर कोई इस दिसंबर में आपको बहुत से डिलीशियस ऑफर मिलेंगे जरूर, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में अपने कहा था। हाँ, आपको मेक श्योर रहना है यार, अगर आपको रैली में कुछ अच्छे बदलाव करने हैं तो वो नया साल अगला साल 2019 जरूर लेके आएगा, तो थोड़ा यार वेट कर लो। अगर पैसे जोड़े तो थोड़े और जोड़ लो, जिन्होंने स्पोर्ट्स बाइक लेनी है वो थोड़े पैसे जोड़ के अपनी 220 ABS में ले लो सिंगल चैनल में, साथ ही साथ जिनको लेनी है एवेंजर वो भी थोड़े सब्र रख लो और ले लो एवेंजर 2019 की जनवरी तक, जहाँ तक की डेट है आप सबको अवेल हो जाएगी। 2019 बहुत सारी खुशियां लेके आएगा। एज ऑफ नाउ यार इस वीडियो के लिए एक लाइक तो दे जाओ यार, हर चीज मतलब मैं ही बोलूंगा है, मतलब भाई के लिए इतना नहीं कर सकते क्या तुम यार? यार इतने टाइम से मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते यार, मैं मतलब बोलना ही पड़ेगा हर चीज के लिए यार, छोड़ यार रहन दे। बाकी थैंक यू सो मच बने रहने के लिए कुछ नए अपडेट्स जो मुझे आपको बताना लगा जरूरी है मैंने आपको बता दिया। तो अगर आप नए हैं तो यार सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पर मिलती रहेगी, और हाँ ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं शायद जिसके बारे में आप ढूंढ रहे हो वो आपको मिल जाएगा। नए आए हो तो भाई बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, ढूंढो इस चैनल पर, एक्सप्लोर करो, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। बाकी स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, लाता रहूंगा आप सभी के लिए नए वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट।